मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली प्रवास के दौरान मुलाकात की। इस दौरान सीएम भूपेश ने गृह मंत्री से छत्तीसगढ़ में आ रही आर्थिक दिक्कतों का जिक्र किया, जिसमें जीएसटी, स्टील ब्रिज और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सीएम भूपेश ने कहा कि सीआरपीएफ डिप्लॉय हुआ है, पिछले कई सालों से भारत सरकार जो खर्च करती है वह पूरा रकम 11,000 करोड़ छत्तीसगढ़ का काट दिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसा नॉर्थ ईस्ट में छूट कर देते हैं उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी किया जाना चाहिए। साथ ही नक्सल क्षेत्र में बनाए जा रहे स्टील ब्रिज पर लिखित तौर पर आदेश की बात कही है। इसके अलावा हमारी जो सेंट्रल एक्सरसाइज का जो पैसा है 3 साल से नहीं मिला है और जीएसटी प्रसेप्शन जून में खत्म होने वाला है, वो हमें फिर से मिले। अमित शाह जी से जो मुलाकात हुई है उसमें सबसे पहली बात है छत्तीसगढ़ की जो सीआरपीएफ यहाँ डिप्लॉय हुआ है उसमें पिछले अनेक वर्षों के जो खर्च हुए उनके भारत सरकार जो खर्च करती है पूरा पैसा 11,000 करोड़ का हमारा काट दिया है। तो हमने ये कहा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में वे आप कर देते हैं, उसे छूट कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 7 जिले में जो पहले विशेष सहायता भारत सरकार देती थी 2021 में बंद कर दिया, लगभग 50 करोड़ रुपये हर जिले को मिलता था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तीसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जो नक्सल क्षेत्र है वहाँ हम लोग स्टील ब्रिज हम लोग बना रहे हैं, मौखिक तौर पर उन्होंने सहमति दे दी थी लेकिन अभी तक के लिखित रूप से वो आदेश आया नहीं। चौथी बात यह है कि हमारे जो सेंट्रल एक्साइज का जो पैसा है वो लगातार 3 साल में 13,000 करोड़ रुपये हमको नहीं मिला है। कोल का भी जो पैसा हमको 41 से 40 करोड़ रुपये है वो भी मिलना चाहिए। और पांचवी बात ये है कि जो जीएसटी कंपनसेशन जून में ख़त्म होने वाला है तो उसके वो हमको फिर से मिले। जो उत्पादक राज्य केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं लेकिन छत्तीसगढ़ भी उसमें शामिल है, उत्पादक राज्य को भी मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चूँकि विषय आपका नहीं है, सीधा प्रधानमंत्री से जुड़ा है।